तो नमस्कार दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बस इतना बोलूंगा, जिस किसी ने भी वीडियो को कंप्लीट देख लिया ना, वो कभी लाइफ में टाइपिंग में मार नहीं खाएगा। वीडियो को देखने के बाद जो मैंने इसमें बताया हुआ है ट्रिक्स, अगर आप उनको फॉलो करके टाइपिंग करते हो तो चाहे फिर दिल्ली पुलिस की टाइपिंग हो, CSF की हो, SSB की हो, CRPF की हो, किसी की भी टाइपिंग हो, आप आराम से पास कर जाओगे। और दोस्तों, इस वीडियो में मैंने खुद भी टाइपिंग करके आपको दिखाई है ताकि आप देख सको कि कैसे टाइपिंग करते हैं, और बहुत सारी चीजें ऐसी क्लियर की हुई है जो कि बहुत ही बड़ा रोल अदा करेगी किसी भी टाइपिंग को पास करने के लिए। तो सबसे पहले कुछ ऐसी चीजें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं जिनको आपको कभी भी नहीं करना है। सबसे पहले ये है दोस्तों कि आपको जो है कभी भी टाइपिंग मास्टर पर टाइपिंग कभी नहीं करनी है, जो कि बहुत से बच्चे ऐसा करते हैं कि टाइपिंग मास्टर पे टाइपिंग करते हैं। आपको टाइपिंग मास्टर पे टाइपिंग नहीं करनी है। अगर आप करते हो तो आज से ही बंद कीजिए। किस पे टाइपिंग करनी है वो मैं आगे बताऊंगा वीडियो में। सेकंड चीज ये है कि कभी भी एक ही पैराग्राफ को आपको बार बार टाइप नहीं करना है। एक पैराग्राफ को आप दो से बस तीन बार टाइप कर सकते हो, उससे ज्यादा मत कीजिए। उस फिर अगला पैराग्राफ टाइप कीजिए, ठीक है? मतलब एक ही पेज को बार बार टाइप आपको नहीं करना है। दोस्तों, तीसरी चीज ये है कि टाइपिंग करते समय कभी भी अपने लेफ्ट साइड का जो आपके लेफ्ट साइड का जो अंगूठा होता है उसको आपको यूज कभी नहीं करना है। जैसे कि लेफ्ट साइड का ये जो वाला अंगूठा होता है ना, ये वाला, इसका कभी भी यूज नहीं आपको करना है। बहुत से लोग इसका यूज करते हैं स्पेस के लिए, लेकिन हमेशा टाइपिंग में जो स्पेस के लिए यूज होता है वो राइट हैंड का अंगूठा होता है, लेफ्ट हैंड का अंगूठा नहीं होता। तो आपको कभी भी लेफ्ट हैंड का अंगूठा यूज नहीं करना है। फोर्थ चीज तो दोस्तों ये है कि कभी भी अपने हाथों को कीबोर्ड के सहारे नहीं रखना चाहिए। जैसे कि इस फोटो में दिखाया गया है कि इसने जो है टेबल के सहारे अपने हाथों को रखा हुआ है। हाथ को थोड़ा ऊपर उठा के टाइपिंग करनी चाहिए। वो जब मैं टाइपिंग करूंगा तब मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे हाथ को ऊपर उठा के टाइपिंग करते हैं। दोस्तों, पांचवी चीज है, कीबोर्ड की तरफ आपको कभी भी नहीं देखना चाहिए। जो पेपर आपको दिया होता है, जिस पेपर से आप टाइपिंग करते हो, सारा फोकस आपका बस उस पेपर पे होना चाहिए। उस पेपर को देख के आपको टाइपिंग करनी चाहिए, ना कि कीबोर्ड को। अब कुछ चीजें दोस्तों मैं आपको वो बताने वाला हूं जिसको आप करके बहुत ही अच्छे से अपनी टाइपिंग को इंक्रीज करेंगे। जैसे कि सबसे पहली जो चीज है दोस्तों वो ये है कि हमेशा आपको नोटपैड पे टाइपिंग करनी है, ठीक है? नोटपैड जो होता है आपके कंप्यूटर में, आपको उस पे टाइपिंग करनी है। और दोस्तों, जो इंग्लिश न्यूज़पेपर होते हैं, आपको जितना हो सके उनसे टाइपिंग कीजिए। 5 से 10 रुपए का मिल जाता है, उसको लाइए घर पे और नोटपैड खोल के उस पर टाइपिंग कीजिए। और जितना हो सके दोस्तों कम से कम बैक स्पेस यूज करें। बैक स्पेस कम यूज करने से आपकी टाइपिंग की स्पीड इंक्रीज होगी और आपकी जो एक्यूरेसी होती है वो तो अच्छी निकल के आएगी, ठीक है? फोर्थ चीज है दोस्तों कि हमेशा 10 मिनट की टाइमिंग लगा के टाइपिंग करें। अब एक छोटी सी बात सुनेगा, अगर आप थोड़ा बहुत टाइपिंग में ठीक हो जाते हैं, जैसे अगर आपके कुछ भी नहीं आती तो आप नोटपैड पे टाइपिंग करते रहिए बस, ठीक है? नोटपैड पे जितनी प्रैक्टिस हो उतनी प्रैक्टिस कीजिए। जब आप थोड़े ठीक हो जाते हैं टाइपिंग करने में तो आपको क्या करना है, अपने फोन में 10 मिनट का अलार्म सेट करना है और कंप्यूटर की स्क्रीन पे बैठ जाना है नोटपैड खोल के, ठीक है? वहां पे अलार्म को जैसे ही आप स्टार्ट करते हो तो 10 मिनट के अंदर जितना भी आप लिखोगे नोटपैड पे, उसके बाद रुक जाना है। और ये सोचना है कि जैसे कि मैं एग्जाम सेंटर में बैठा हूं और मुझे टाइपिंग पास करनी है और मेरे पास ये 10 मिनट का टाइम है और जो कि अब शुरू होता है, ऐसे ऐसे सोच के टाइपिंग कीजिए। कहीं भी किसी कोचिंग सेंटर में जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपके घर में कंप्यूटर है तो बस वहीं पे टाइपिंग कीजिए, ठीक है? अगर आपको थोड़ी अपनी हेजिटेशन निकालनी है तो जो आपके घर में कोई बड़ा हो उसको आप अपने पीछे खड़ा कर दीजिए। उसको बोलो कि मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे टाइपिंग करते हैं, मुझ पर टाइपिंग अच्छे से आती है करनी, उसको ये बोलो और उसको अपने पीछे खड़ा कर दो और तब उसकी तब टाइपिंग करो, तो आपकी हेजिटेशन भी निकल जाएगी, ठीक है? और वैसे भी दोस्तों, जब आपकी टाइपिंग बेहतरीन हो जाती है, जब आपकी टाइपिंग अच्छी हो जाती है, तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन पास में खड़ा है कौन पास में नहीं खड़ा है, बस फिर आपके हाथ होते हैं और कीबोर्ड होता है, ठीक है? तो ये चीज आपको याद रखनी है कि आपको हमेशा यही सोच के टाइपिंग करनी है कि आप एग्जाम हॉल में बैठे हुए हो और जो है 10 मिनट का आपके पास टाइम है और आपको बस टाइपिंग करनी है और बिल्कुल पास करनी है, ठीक है? अब दोस्तों, कुछ ऐसी चीजें हैं, एक फोटो में आपको ऐसा दिखा रहा हूं जो कि बहुत ही बड़ी चीज है, आपको उसको हमेशा याद रखना है। ये देख लीजिएगा, जो आपकी लेफ्ट हैंड की जो उंगली होती है छोटे वाली, उस उंगली से बस आप जो है खाली एक प्रेस करोगे, क्यू ए और शिफ्ट का यूज करेंगे, ठीक है? आप इस छोटी उंगली से, ऐसा नहीं कि दो प्रेस कर रहे हो, इससे बस खाली छोटी उंगली से आपको ये प्रेस करना है, एक क्यू ए, दूसरी वाली उंगली से 2 WSZ, इस उंगली से ये वाला 3 मत दबा देना, जो भी ये अक्सर लिखे हुए हैं यहाँ पे 2 WSZ, ये दूसरी उंगली से दबेंगे बस खाली, ठीक है? ऐसे तीसरी उंगली का देख लीजिए और ऐसे जो चौथी उंगली है इसमें 4 और 5 चौथी उंगली से दबेंगे, RT का यूज आप चौथी उंगली से करोगे, सब कुछ इसी उंगली से आप यूज करेंगे। ऐसे यहां पे भी आप यूज करेंगे 6 और 7, राइट हैंड के जो हाथ होता है उसकी उंगली से यूज करेंगे। देख लीजिए आप, आपको समझ में आ रहा होगा ये फोटो क्या बता रहा है। ये दिखा रहा है कि आपको जो ये उंगली होती है आपको किस उंगली से कौन सा बटन यूज करना है, वो ये दिखा रहा है आपको, ठीक है? आप ऐसा मत कर देना कि छोटे वाली उंगली से आप 2 बटन दबा रहे हो,
या फिर इस दूसरी वाली उंगली से आप तीन दबा रहे हो, नहीं, आपको दूसरी वाली उंगली से दो प्रेस करना है, डब्ल्यू एस जेड ऐसे दबाना है। आगे मैं आपको ये दिखाने वाला हूं कि जो है कैसे जो है आप जो है नोटपैड पे टाइपिंग करके उसको वर्ड पैड पे पेस्ट करेंगे और वहां से अपनी मिस्टेक पता करेंगे, कितनी मिस्टेक आपकी हुई है, और स्पीड भी पता करेंगे, ठीक है। तो मैं आगे वीडियो प्ले कर रहा हूं, वो उस वीडियो को देखेगा, और उसके बाद जो फिर मैं प्ले करूंगा वो होगी दोस्तों कि मैं आपको खुद टाइपिंग करके दिखाऊंगा कि मैं कैसे टाइपिंग कर रहा हूं। तो वीडियो को बहुत कंप्लीट देखेगा, बहुत ही बेहतरीन वीडियो होने वाली है। तो चलिए फिर मैं दूसरी वीडियो को स्टार्ट करता हूं दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको ये दिखाऊंगा कि टाइपिंग करने का सबसे बेस्ट तरीका कैसे होता है और कैसे टाइपिंग करते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको अपने कंप्यूटर में जाके अपना नोटपैड ऑन कर लेना है। आप जैसे नोटपैड ऑन करते हो तो यहाँ पे आपको जो है 10 मिनट में जितना आप लिख सकते हो, टाइप कर सकते हो, उतना आपको टाइप कर लेना 10 मिनट में। मैंने किया हुआ है आपके एग्जांपल के तौर पे किया हुआ है दिखाने के लिए आपको। तो जितना भी आप 10 मिनट में यहाँ पे टाइप करते हो उसके बाद आप रुक जाएंगे, और जितना भी आपने टाइप किया है इसको कंट्रोल ए से ऑल सेलेक्ट करेंगे और कंट्रोल सी से इसकी कॉपी करेंगे, और जो आपका वर्ड पैड होता है वर्ड पैड में जाके आप इसको कंट्रोल वी करके पेस्ट कर देंगे। अब पेस्ट करने के बाद दोस्तों आपको ये आपकी सारी मिस्टेक दिखाएगा और कितनी आपकी स्पीड है वो सब कुछ दिखाएगा। स्पीड कैसे पता लगेगी, यहाँ पे जो 402 वर्ड लिखे हुए हैं और आपने ये 10 मिनट में टाइप किया हुआ है तो 402 को 10 से डिवाइड कर देंगे तो आपकी स्पीड निकल के आएगी 40.2, ठीक है, 40.2 की आपकी स्पीड निकल के आएगी। और जो मिस्टेक है जहाँ पे रेड रेड हो रहा है ये आपकी मिस्टेक्स होती है दोस्तों। जितने भी आप वर्ड लिखते हो उसका 5% गलती माफ होती है। जैसे 400 वर्ड लिखे हुए हैं तो 400 का 5% कितना होगा, 20, मतलब 20 गलती मेरी माफ होगी। बाकी आप अपनी नोटिफिकेशन में देख सकते हैं कि उसने कितनी एक्यूरेसी मांगी हुई है, ठीक है। लेकिन सभी नौकरी में जो है 95% की एक्यूरेसी चाहिए होती है। तो ये होता है दोस्तों आपका टाइपिंग करने का तरीका, ठीक है। पहले नोट पैड में टाइपिंग की 10 मिनट का टाइम लगा के, वहां पे जो है उसको कॉपी किया और वहां पे फिर उसके बाद वर्ड पैड पे उसको पेस्ट कर दिया। यहां पे आपकी सारी मिस्टेक्स और आपकी स्पीड भी दिख जाएगी। स्पीड पता करने के लिए 402 को 10 से डिवाइड कर देना है तो आपकी स्पीड पता लगेगी। और जो मिस्टेक है स्पीड स्ट्रोक को फिर अपना ठीक कर लीजिएगा, देख लीजिएगा आप किस वर्ड में ज्यादा मिस्टेक करते हैं, फिर उसी वर्ड पे प्रैक्टिस कीजिएगा। तो ऐसे आपकी टाइपिंग करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है। आपको टाइपिंग मास्टर पे नहीं करनी है, ठीक है। अब मैं एक वीडियो प्ले कर रहा हूं जिसमें मैं आपको खुद टाइपिंग करके दिखाऊंगा कि कैसे टाइपिंग करती है। तो चलिए मैं आपको फिर दिखाता हूं दोस्तों। सबसे पहले जो है आपको अपना कीबोर्ड सेट कर लेना है, और अगर आपने अपने हाथ में कुछ पहना हुआ है, घड़ी पहनी हुई है या फिर कड़ा पहना हुआ है, उसको निकाल देना है ताकि आपके जो हाथ है थोड़ा इजी फील कर सके। और तीसरी चीज दोस्तों, जो पेपर होता है उसको कीबोर्ड के सामने रखना है। हालांकि आप उसको वहां पे रखे भी टाइपिंग कर सकते हो जहां पे आप रखे उसको पहले से टाइपिंग करते आ रहे हो। चौथी चीज दोस्तों यह कि अपने हाथों को आपको ऐसे खड़े करके टाइपिंग करनी है, ऐसे लिटाना नहीं है, ऐसे खड़े करके टाइपिंग करनी है। तो मैं आपको दिखाता हूँ टाइपिंग करके, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। वैसे जो फोटो मैंने आपको दिखाया हुआ है उस फोटो को देख के ही जिस उंगली से जिस बटन उसको दबाया गया है ऐसे ही आपको टाइपिंग करनी है। फोटो को माइंड में सेट कर लीजिएगा। तो मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ कैसे टाइपिंग करते हैं, हाथ देखिएगा अच्छे से। पहले स्टार्टिंग में थोड़ी टाइपिंग को स्लो करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। ओके दोस्तों, तो ऐसे आपको टाइपिंग करनी है, ठीक है। आपने देख लिया मेरा थोड़ा हाथ कैसे मैं टाइप कर रहा हूँ। और जो नंबर होते हैं ना, देखो इस वाली उंगली से जो है ना ये क्यू डब्ल्यू ई आर पी ओ आई यू, इस वाली उंगली से वाई, इससे टी, इससे एच, इससे जी, और ऐसे नीचे आपको उंगली प्रेस करनी है। ऊपर नंबर पर देख लीजिएगा, 1 इससे, 2 इससे, 3 इससे, 4 इससे, 5 इससे, ये वाला डैश, ये वाली 0, 9, 8, 7, 6। जब आप टाइपिंग करनी स्टार्ट कर देंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो ऑटोमेटिक जो है आपकी उंगली पे हो जाएगा, ठीक है। तो बस जो फोटो है उसको भी अच्छे से ध्यान से दीजिएगा। तो बस ऐसे ही प्रैक्टिस करनी है दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, आगे भी ऐसी वीडियो लेके आता रहूँगा। जय हिंद, जय भारत।